हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पार्टी सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने किया इंडियन पार्टी सिस्टम का मीनिंग, जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज की मीनिंग एंड डेफिनेशन किया। देन हमने पॉलिटिकल पार्टीज की रिकग्निशन की कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिकग्नाइज्ड होते हैं या अनरिकग्नाइज होते हैं, तो उनका बेस क्या है। जो रिकग्नाइज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे आती हैं, जो रिकग्नाइज स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिकग्नाइज्ड कैसे बनते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं या अनरिकग्नाइज्ड हैं, ये क्या होता है। जब भी इलेक्शन होती है, हर इलेक्शन के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जब लास्ट इलेक्शन होती है उसकी कंडीशन को अगर फुलफिल कर पाती हैं तो वो रिकग्नाइज कहलाएंगी। तो हमने वो सब कुछ लास्ट सेशन में किया, एंड आज हम इस सेशन में करेंगे नेचर और फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। जो इंडियन पार्टी सिस्टम है इसके क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। जो इंडियन पार्टी सिस्टम है, इंडियन पार्टी सिस्टम कौन सी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसमें बहुत ज़्यादा पार्टीज हैं, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो क्या करती हैं, इलेक्शन में खड़ी होती हैं, जो पावर के लिए इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आना चाहती हैं। तो इंडिया में 2020 में टोटल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है, 2698, जिसमें लोकल, रीजनल, नेशनल, स्टेट सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ऐड कर देते हैं। जो रिकग्नाइज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हैं 8, एंड रिकग्नाइज जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 52। उसके अलावा जितनी बाकी पार्टीज हैं वो सभी अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देन नंबर टू, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी रजिस्ट्रेशन होनी बहुत जरूरी है अगर हम अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद हमको रजिस्टर कराना पड़ेगा किसके पास, टू द इलेक्शन कमीशन, जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है फॉर द इलेक्शन। हमको विद इन 30 डेज, जब हम नई पार्टी बनाते हैं उसके 30 डेज के विदिन हमको क्या करनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है टू द इलेक्शन कमीशन कि आप हमको रजिस्टर कर दो, प्लस कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, इसके रिगार्डिंग हमको क्या करनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है टू द इलेक्शन कमीशन। नंबर थर्ड, 3 टाइप्स ऑफ पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ रिकग्निशन। रिकग्निशन के बेस पर 3 टाइप्स की पार्टी हैं। कैसे, चाहे तो पॉलिटिकल पार्टीज रिकग्नाइज हो सकती है चाहे अनरिकग्नाइज हो सकती है। जो रिकग्नाइज होती हैं वो तो दो तरह की होती है, रिकग्नाइज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, रिकग्नाइज स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। जो पार्टीज रिकग्नाइज हो जाती है उनका स्टेटस बहुत बड़ा होता है। अगर हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, मीन्स पूरे देश में वो पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज हैं। जो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं उसका पूरा स्टेट का एरिया है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिकग्नाइज्ड माना जाता है। एंड जो अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये क्या होती हैं, रीजनल लेवल की होती हैं, लोकल लेवल की होती हैं। तो हम इनको इस तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फोर्थ, डोमिनेंट पोजिशन ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग 1947 to 89। जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद डोमिनेंट पोजीशन किसकी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। ये भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की एक फीचर बन चुकी है, क्योंकि सेंटर एंड स्टेट में सभी जगह मोस्टली किसकी सरकार होती थी, कांग्रेस की होती थी, एक्सेप्ट 1977-80। इसका मीनिंग क्या है कि कांग्रेस पूरी इंडिया में रूल कर रही थी, लेकिन 77 और 80 इसमें बहुजन समाज पार्टी जब एग्जिस्टेंस में आती है तो वो 2 सालों के बाद ही क्या हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद फिर कांग्रेस मेजोरिटी के साथ विन कर लेती है। तो हम ये कहते हैं 47 से 89 तक का पीरियड है, इसमें ऑलमोस्ट कांग्रेस थी जो रूल कर रही थी। आफ्टर 89 क्या होता है, कोलिजन की गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है, मीन्स एक पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी गेट नहीं कर पाती, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलके कोलिजन कर लेती हैं। तो हम कहते हैं कोलिजन की पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। नंबर 5, ग्रोइंग रोल ऑफ पार्टीज इन ऑपोजिशन। हम ये कहते हैं कि ऑपोजिशन का रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। जब हम 89 की बात करते हैं, 89 पीरियड तक क्या होता है, कांग्रेस की डोमिनेंस होती है, लेकिन जब कांग्रेस की डोमिनेंस खत्म हो जाती है उसके बाद ऑपोजिशन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे देश में क्या प्रोविजन है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी
10% सीट्स हैं इन लास्ट लोकसभा में, अगर विन कर लेती है तो वो क्या बन जाती है, ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। जैसे इस टाइम हमारे देश में 543 लोकसभा सीट्स है, इसमें अगर कोई पार्टी ऑपोजिशन में आना चाहती है तो 10% कितना हुआ, 54 सीट्स होगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 54 सीट्स विन कर लेगी वो ऑपोजिट पार्टी आ जाएगी। लेकिन इस लोकसभा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को 52 सीट्स मिली थी, इसीलिए उसकी 2 सीट्स कम थी, वो ऑपोजिट पार्टी भी नहीं बन पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट पार्टी का रोल 89 के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि 89 के बाद जब हम कहते हैं कांग्रेस की डोमिनेंस खत्म होती है, उसके बाद ही ऑपोजिट पार्टी सत्ता में आनी शुरू होती है। तो 89 में हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट पार्टी अमर्ज होती है, जैसे अडवाणी जी हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये क्या आते हैं ऑपोजिट लीडर के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल स्टेटस ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जो ऑपोजिट पार्टी है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिट पार्टी की स्टेटस ले लेती है, उसके बाद ऑपोजिट पार्टी का जो लीडर है उसका बहुत स्पेशल स्टेटस होता है। जो एक ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है उसका स्टेटस किसके इक्वल होता है, टू द कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे एक कैबिनेट मिनिस्टर की पावर्स होती है, वैसे ही ऑपोजिट पार्टी के लीडर की पावर्स होती है, उसकी सैलरी अलाउंस भी उतनी होती है जितने एक कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। तो उसका एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है इक्वल टू द कैबिनेट मिनिस्टर। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ रीजनल एंड लोकल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में क्या है, एक नेशनल और स्टेट लेवल की रेकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा बहुत ज्यादा लोकल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कुछ लिमिटेड एरिया वहीं तक पॉपुलर होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं हमारे देश में सोशल प्लूरलिज्म है, हमारे समाज में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, इसीलिए रीजनल पार्टीज है वो इंजॉय करती है अपनी पॉपुलैरिटी इन द स्टेट, अपने लोकल एरिया में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और उनको डिफीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रीजनल लेवल पर लोकल लेवल पर अपनी पॉपुलैरिटी को इंजॉय कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लैक ऑफ इडियोलॉजिकल कमिटमेंट। हम जी देखते हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन देती हैं टू द इलेक्शन कमीशन, उसमें जी लिखती हैं कि हमारी इडियोलॉजी क्या है, वो कहते हैं हम सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिज्म है, तो सबकी जी कॉमन इडियोलॉजी है। वह हर एक पॉलिटिकल पार्टी जी कहती है हमको सेकुलरिज्म पर बहुत विश्वास है, हम सेकुलर हैं। लेकिन जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस होता है तब देखते हैं तो इसमें जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो उसकी इडियोलॉजी थी, वो सब खत्म हो जाती है। जब भी उनको पावर में आने का मौका मिलता है वो अपनी इडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए अपनी बातें, अपनी इडियोलॉजी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रोल प्ले करती। उनके लिए क्या इडियोलॉजी है, सिर्फ सत्ता में आना, इसके लिए वो जस्ट एंड अनजस्ट दोनों तरह की मीन यूज करती हैं ताकि वो सत्ता में आ सके। इसके अलावा जो उनकी इडियोलॉजी की कमिटमेंट थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज क्रिमिनल एंड कास्ट करैक्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमको क्रिमिनल एंड कास्ट के नाम पर भड़काती हैं। हमारे देश में वोटें कैसे ली जाती हैं, कास्ट के नाम पर, कि हम आपकी कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, इसको खड़ा कर रहे हैं, आप इसको ही वोट डालें, जे ही आपकी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम में इतनी डर्टी गेम बन चुकी है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट द कास्ट एंड रिलीजन सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल एंड इस बेस पर लोगों से वोट मांगते हैं। तो कास्ट के नाम पर हम पॉलिटिकल वोट मांग रहे हैं, रिलीजन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम तो सेकुलर थे, सेकुलरिज्म कहाँ गया, वो सब खत्म हो जाता है। जब एक पार्टी को विन करना होता है तो वो हर एक मीन अपना रही है जिससे वो सत्ता में आ सके, पावर को अटेन कर सके। तो हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका करैक्टर क्या बन चुका है, क्रिमिनल एंड कास्ट करैक्टर। हम कहते हैं कास्ट के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जितना डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज में कास्ट के नाम पर होता है इतना कहीं और नहीं होता। तो यही सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कास्ट के नाम पर लोगों को भड़काती हैं एंड वोट गेट करती हैं। नेक्स्ट इज
पर्सनैलिटी करंट पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स है पर्सनैलिटी, किसी एक पर्सन की पर्सनैलिटी के नाम पर पूरी पॉलिटिकल पार्टी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी, तो हम क्या कर रहे थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके नाम पर वोट मांग रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम वोट मांग रहे थे, तो अब मोदी के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने चेहरे को सामने रख देती है कि इसकी पर्सनैलिटी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो उसको आप वोट दीजिए। तो आज के टाइम में हम किसी पर्सनैलिटी को देख कर ही वोट डालते हैं। ऐसे तो जो हमारे जो एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, हम उसके पर्सनैलिटी से इंप्रेस होते हैं और उसको वोट डाल देते हैं। इट मीन्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं और ये बात पॉलिटिकल पार्टीज भी जानते हैं। इसीलिए वो ऐसा चेहरा लेकर आते हैं हमारे सामने जिसके फेस देखकर आप वोट डालते हो। इट मीन्स क्या है, पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स है, जिसमें हम उसकी पर्सनैलिटी, हम उसका फेस देख रहे हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज के टाइम में कितनी ज्यादा क्रिमिनल लीडर्स बन चुके हैं, हम उनको भी वोट डाल रहे हैं। सिर्फ एक मोदी के नाम पर पूरी बीजेपी सरकार जीत रही है, तो ये क्या हो गया, पर्सनैलिटी कल्ट गवर्नमेंट होगी, पॉलिटिक्स होगी। आज के टाइम में भी हम कहते हैं एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो एलीट्स हैं, दे एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स क्या है, देश के लिए खतरा होती है, हम एक ही चेहरे को उसको देखकर वोट डालते जाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना इनकी इंटरनल वर्किंग में डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा कमी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज है दे डोंट हैव वेल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, इनका कहीं भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिसीजन है वो कैसे ले जाएंगे, जो उनके केदार है केदार के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होंगे, लेकिन हाई कमांड ही डिसाइड करती है कौन सा मिनिस्टर बनेगा, कौन सा चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसको हमने कैंडिडेट के रूप में खड़ा करना है। तो सब कुछ कौन करते हैं, हाई कमांड के द्वारा, जो एक एलीट क्लास है, जो एरिस्टोक्रेट है, सिर्फ वो ही डिसाइड करते हैं। तो इंटरनल डेमोक्रेसी कहाँ हो गई, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। जी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये ही काम कर रही हैं। एक चेहरा हाई कमांड जो उसका लीडर है वो ही डिसाइड करता है कि एक स्टेट में किसको मिनिस्टर बनना है, किसको खड़ा करना, किसको नहीं करना। तो इसका जो राइट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होना चाहिए, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हाई कमांड के पास होता है। तो सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनमें कमी है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट इज वीक पार्टी डिसिप्लिन, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। जो मेंबर्स है ना आज के टाइम में वो क्या करते हैं, दे डोंट हेसिटेट टू बिकम रिबेल्स व्हेनेवर दे फाइंड अ डिसीजन अनअक्सेप्टेबल, जब भी उनको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी है उनकी डिसीजन हमारे फेवर में नहीं है तो वो रिबेल कर देते हैं, वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का आज के टाइम में जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। नेक्स्ट इज ग्रुपिज्म विद इन द पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ग्रुप के नाम से डिवाइड है, ग्रुपिज्म हुआ हुआ है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब एक पर्सन को डिसीजन एक्सेप्टेबल नहीं होते तो वो उस पार्टी से टूटकर नए पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। इस तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फर्दर डिवाइड होती जाती है। तो हम कहते हैं पार्टी गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, जितनी भी हमारी पार्टीज है, आप कांग्रेस की बात लगा लो, कांग्रेस भी 3-4 times ब्रेक हो चुकी है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, टूटती जाती है जब इनके लीडर्स के आपस में बनती नहीं है, उनमें कोई कंफ्लिक्शन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन का मीनिंग क्या है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है उसके बाद मिनिस्टर्स हैं जब मेंबर्स हैं वो पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में आ जाते हैं। इट मीन्स क्या है, हम अपनी पार्टी को चीट कर रहे हैं। जब हम इलेक्शन लड़े थे एक पॉलिटिकल पार्टी से लड़े थे, लेकिन आफ्टर द विनिंग हम उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में एंटर हो जाते हैं। इसको हम प्रॉब्लम डिफेक्शन कहते हैं,
जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं जिससे देश में खतरा है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा करैक्टर, हमारी बातें कहाँ गई, जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम लड़ रहे थे। आज के टाइम में अगर मुझे लगता है इस पॉलिटिकल पार्टी से मुझे पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे पोस्ट नहीं मिली, मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया गया, तो मैं वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाती हूँ। तो जी क्या शो करती है, जो डिफेक्शन की प्रॉब्लम है, इट गिव द बर्थ ऑफ अपॉर्चुनिज्म, करप्शन एंड इनस्टेबिलिटी, इन सबको क्रिएट करती है, मौका प्रस्त सरकार बना देती है। तो आज के टाइम में जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। जो हम कहते हैं 16th लोकसभा थी, चाहे 17th लोकसभा जो 2 सालों से चल रही है, इसमें भी डिफेक्शन की प्रॉब्लम कितनी आई है। जो डिफेक्शन की प्रॉब्लम है, हर एक लीडर है वो एक पार्टी को छोड़ता है, कोई किस पार्टी में एंटर हो गया, फिर उस पार्टी को छोड़ दिया, दोबारा से री एंटर हो गया, जी सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारे समाज में। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल अलायंस एंड कोलिजन गवर्नमेंट। आज के टाइम में हमारे देश में एक मेजोरिटी की सरकार तो आती नहीं है, तो कौन सी सरकार आती है, कोलिजन की सरकार। हमारे देश में 2 बड़े कोलिजन हैं, एनडीए अलायंस एंड यूपीए अलायंस। हम कहते हैं जो 89 तक का टाइम पीरियड था, इसमें क्या था, मेजोरिटी थी किसके, कांग्रेस की। उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं 89 के बाद, सभी अलायंस में आई हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी गेट नहीं कर पाई। तो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज मेजोरिटी गेट करती हैं, आपस में मिलती हैं, फिर जाकर सरकार बनाते हैं, तो अलायंस की सरकार आती है। एंड जो इस बार 17th लोकसभा थी, इस लोकसभा में बीजेपी ने आफ्टर 89 मेजोरिटी हासिल की है, लेकिन इतने सालों में 30 साल हमारे देश में कोलिजन की ही गवर्नमेंट वर्क कर रही थी। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोल अलायंस एंड कोलिजन गवर्नमेंट जो वर्क कर रही थी। जो ये कोलिजन है सिर्फ नेशनल लेवल तक ही नहीं होता, ये कोलिजन क्या है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी बहुत ज्यादा होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी 30-40 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ कोलिजन में आती हैं ताकि हम सरकार बना सके। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म, मीन जो लोगों को पसंद है पॉपुलर स्लोगन के साथ वो अपनी पार्टी को बनाती हैं। जैसे कहते हैं पहले गरीबी हटाओ, अब उसके बाद जो 2014 की लोकसभा इलेक्शन थी, अब की बार मोदी सरकार, हम कहते हैं कभी फ्री वाईफाई मिलेगा, फ्री राशन मिलेगा, ये सब कुछ क्या है, लोगों को लालच दिया जा रहा है ताकि वो हमको वोट डाले। तो हम ये कह सकते हैं पॉपुलिज्म की सरकार आती है, जिसमें वो पॉपुलिस्ट स्लोगन को रेज करते हैं जिससे वो इनोसेंट पीपल को मिसलीड कर सके, चीट कर सके। एंड लास्ट वन इज यूज ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू गेट पावर। हम ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज करती हैं ताकि वो पावर को गेट कर सके। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है पॉलिटिकल पार्टीज विन करने के लिए, सत्ता में आने के लिए रैलीज कर सकती हैं, पब्लिक ओपिनियन रेज कर सकती हैं, जी तो सब सही है, जस्ट है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसके अलावा अनडेमोक्रेटिक वर्क करें, जैसे धरना देना, स्ट्राइक कर देना, रोड पर बैठ जाना, भारत बंद कर देना, ये सब कुछ क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन है, वायलेंस तक क्रिएट कर देती हैं ताकि वो सत्ता में आ सके। कास्ट के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं, हमें पता है कि ये दंगे फसाद किसने कराए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने कराए हैं। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होते हैं जो आज के टाइम में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना रही है। क्या इससे सत्ता में आना सही है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज है उनका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो सत्ता में आने के बाद वो हमारे लिए काम ही क्या करेगी। इसीलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी मोरालिटी है वो सभी डिग्रेड हो चुकी है। तो ये थे फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।